अनंत कुमार चौहान और साथ में संगठन मंत्री विनय सहस्त्रबुद्धे समेत प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह बीजेपी युवा मोर्चा की बाइक रैली के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के जोरदार ने स्वागत किया। आपको बता दें कि अमित शाह के दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। सभी मंत्रियों ने अमित शाह के सवाल जवाब को लेकर भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। तो वहीं गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे से अब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कार्यों की समीक्षा भी होगी, जिससे कार्य और बेहतर ढंग से किए जाएंगे। कराएं उनके प्रति, अगर आपकी जवाबदेही नहीं है, अगर आप आंसरेबल नहीं है, अगर आप अकाउंटेबल नहीं है, तो लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा कैसे रहेगा। तो जवाबदेही मूल है लोकतंत्र का और भारतीय जनता पार्टी का वो एक मौलिक सिद्धांत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना अपने आप में हम लोगों के लिए बड़ी ऊर्जा की बात है, क्योंकि जितने जिस प्रकार से वो अथक मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद तो उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि एक उम्र दराज होने के बाद भी 24 घंटे की भाग दौड़ और 3-3 दिन एक प्रदेश में और निरंतर आज 100 दिन हो रहे हैं उनको चलते हुए, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। पूरा भोपाल मध्य प्रदेश में आनंदित है और 3 दिन तक अध्यक्ष ही रहेंगे, हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, जो जानकारी वो चाहेंगे हम लोग देंगे उन्हें। और सतत रूप से चलने वाली एक राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसके लिए हम लोग भी तैयार रहते हैं। अध्यक्ष जी बहुत अनुशासनात्मक तरीके से और बहुत दृढ़ता के साथ में अपने कार्यकर्ताओं की परीक्षा लेते हैं, बहुत सख्ती के साथ में, और हम लोगों को खुशी होती है कि हम लोगों के लिए कोई मार्गदर्शक अच्छा है। अमित शाह जी, क्या कुछ होगा और इसे लेकर सवाल जवाब की तैयारी? बढ़िया तैयारी है, शानदार तैयारी है, और इसलिए आया है कि इस बार हम 300 से ऊपर सीटें जीतेंगे और हम सब उस तैयारी में। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 3 दिवसीय यात्रा पर भोपाल पहुंचे। स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और अन्य नेताओं ने शाह की अगुवानी की। शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण किया, उसके बाद स्वागत की औपचारिकताएं पूरी हो गई, जिसके बाद शाह ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पार्टी की पहली बैठक ली। आपको बता दें कि शाह 3 दिन के भोपाल प्रदेश पार्टी मुख्यालय में रुककर लगातार कई बैठकें लेंगे। भोपाल पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद अमित शाह ने काफिले के साथ वीआईपी रोड स्थित राजा भोज की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण समारोह की पूरी तैयारी यहां पर कर दी गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह प्रतिमा है जो करीब 12 फीट की बताई जा रही है, यानी जमीन से हम बात करें, जमीन से लेकर ऊंचाई तक की बात करें तो कुछ टोटल फीट की ये पूरा स्टेशन से लेकर प्रतिमा तक 30 फीट इसको बताया जा रहा है। वहीं जिस तरह से लाल घाटी चौराहे पर ये प्रतिमा को स्थापना की गई, ये प्रतिमा का अनावरण जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। उसके अलावा अमित शाह के जो कार्यक्रम है वो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत ही इस कार्यक्रम को भी यहाँ पर रखा गया है, और जिस तरह से जो तैयारियाँ की जा रही थी रात भर से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही हैं, वहीं अभी भी यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यहाँ पर आना शुरू हो गए। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई, चूँकि अमित शाह जो है वो Z+ श्रेणी में आते हैं, उसी के लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था की हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज की बात करें तो यहाँ पर 3S3 राउंड अप जो है सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है। वहीं पूरे कार्यक्रम स्थलों के अंदर भी इसी तरह 3S3 की सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है। खुद DIG डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जो है वो सुरक्षा की कमान अपने हाथ में लिए हुए, वहीं SP नॉर्थ और SP साउथ भी सुरक्षा की कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अमित शाह के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी व्यापक रूप से यहां पर तैयारियां कर रखी हैं। कैमरामैन शाहिद खान के साथ आबिद मुमताज, साधना न्यूज़ भोपाल।
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के दौरे के पहले ही दिन प्रदेश के नेताओं में दहशत दिखाई दी। दहशत का आलम यह था कि एक भी नेता मीडिया के सामने अपनी जुबान तक नहीं खोल पाया। अमित शाह ने नेताओं से साफ कह दिया कि अंदर की बात अंदर ही रहनी चाहिए, तो वहीं अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए नेताओं को फटकार भी लगाई गई। भीतर की बात मीडिया को नहीं बताई जाएगी। शाह जी ने ये कहा कि किसी को कुछ नहीं बताना। प्रवक्ता बोल रहा है, मजबूरी है कि मजबूरी है? मना कर रहा है। जी हाँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो मंत्री कल तक अमित शाह के दौरे से पहले खूब बोल रहे थे, अमित शाह ने उनकी बोलती बंद कर दी। शाह के बीजेपी कार्यालय पहुंचते ही सांसद, विधायक, मंत्री और तमाम पदाधिकारियों की साझा बैठक शुरू ही होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह मंच पर खड़े हुए और कहा, यहां बैठे सभी लोग अपने मोबाइल संभाल कर रखें, अंदर की बात अंदर ही रहनी चाहिए। सुनिए कैसे नेताओं की बोलती बंद कर दी। भीतर की बात मीडिया को नहीं बताई जाएगी। शाह जी ने ये कहा कि किसी को कुछ नहीं बताना। प्रवक्ता बोल रहा है, मजबूरी है कि मजबूरी है? मना कर रहा है। दौरे के पहले ही दिन अमित शाह ने कड़े शब्दों में नेताओं को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि अनुशासन सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए नहीं है, बल्कि नेता भी अनुशासन में रहें। और यही वजह भी रही कि सबकी बोलती बंद हो गई। हर नेता ने बाहर आते हुए यही कहा कि अमित शाह ने बोलने से मना किया है। स्पष्ट निर्देश है कि मीडिया को कुछ नहीं बताना है। बिल्कुल मुंह में उंगली रखने को नहीं बोला, उन्होंने बोला कि खोल के मीडिया के सामने बात बता दीजिएगा कि मीडिया को कुछ नहीं बोलने के लिए कहा गया, तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपको बताने के लिए मना किया है। इतना ही नहीं, दौरे के पहले दिन अमित शाह ने सभी नेताओं को साफ कह दिया कि मैं स्वागत सत्कार कराने नहीं आया हूं, और इस 3 दिन के दौरे पर फालतू बात से ज्यादा एजेंडे पर बात की जाए। खैर, पहले ही दिन जिस तरह अमित शाह ने नेताओं की बोलती बंद कर दी, उससे ये जाहिर हो गया है कि आगे के बचे 2 दिन नेताओं और मंत्रियों के लिए इतने आसान नहीं होने वाले हैं।